elasticity of demand. पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे, उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करेंगे, तो हमारा ये टॉपिक फिर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, उसको समझो पहले अच्छी तरह से। देखो, हमें ये तो पता है कि प्राइस अगर इंक्रीज होती है, तो हमें ये तो पता है ना प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है। और हमें ये भी पता है कि अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फर्क पड़ता है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है, सही है। लेकिन क्या हमें पता है कितनी इंक्रीज होती है कितनी डिक्रीज होती है, ये तो हमें नहीं पता। अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितना चेंज आता है, तो वो चेंज क्या कहलाएगा, वो चेंज कहलाएगा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हमें क्या बताती है, इलास्टिसिटी हमें बताती है रिस्पॉन्स, इलास्टिसिटी हमें क्या बताती है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड अगेंस्ट चेंज इन प्राइस। ये तो फैक्ट है कि प्राइस चेंज होगी तो डिमांड चेंज होगी, लेकिन ये नहीं बता सकते कितनी चेंज होगी। इसका आंसर हमें कहां से पता लगेगा, इसका आंसर हमें पता लगेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर एक प्रोडक्ट की हम प्राइस बढ़ाएं तो उसकी डिमांड चेंज कैसे होगी। फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हें डिफरेंट एग्जांपल दूं, 10% प्राइस इंक्रीज हुई, सही है, तो 10% क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, ये भी रिस्पॉन्स है। सिमिलरली 10% प्राइस इंक्रीज हुई लेकिन 5% क्वांटिटी डिक्रीज हुई, ये भी रिस्पॉन्स है। और सिमिलरली 10% प्राइस इंक्रीज हुई लेकिन जो रिस्पॉन्स आया वो आया 15%। अब ये चेंज क्यों हो रहा है, इस पर तो हम बाद में बात करेंगे कि ये रिस्पॉन्स चेंज क्यों हो रहा है, लेकिन ये रिस्पॉन्स अलग अलग आ रहा है जी। इसको ऐसे समझो कि तुमने, तुम्हारी किसी से लड़ाई हो, तुमने एक बंदे को थप्पड़ मारा, वो रिटर्न में तुम्हें कैसे थप्पड़ मारता है, जैसा तुमने थप्पड़ मारा वैसे ही उसने थप्पड़ मारा, तो हम क्या कहते हैं, इक्वल रिस्पॉन्स, सेम रिस्पॉन्स, सही है। या तुमने थप्पड़ मारा, उसने तुमसे जोर से थप्पड़ मारा, तो हम कहेंगे मोर रिस्पॉन्स। या तुमने थप्पड़ मारा, उसने कम फोर्स से थप्पड़ मारा, तो हम कहेंगे लेस रिस्पॉन्स, सही है। तो जो हमारी पहली सिचुएशन है इसको हम कहेंगे कि सेम रिस्पॉन्स आ रहा है ना, तो हम कहेंगे यूनिट इलास्टिक। इक्वल रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, यूनिट इलास्टिक, सेम रिस्पॉन्स। और अगर रिस्पॉन्स कम आ रहा है तो हम कहेंगे इन इलास्टिक, लेस रिस्पॉन्स। और अगर रिस्पॉन्स ज्यादा आ रहा है तो हम कहेंगे इलास्टिक। ये तीन सिचुएशंस मैंने बता दी तुम्हें कि एक होता है यूनिट इलास्टिक, एक होता है इलास्टिक, और एक होता है इन इलास्टिक। अगर हमने इलास्टिसिटी कैलकुलेट की फॉर एग्जांपल, और इलास्टिसिटी का आंसर जो आ गया वो आ गया 1, तो हम क्या कहेंगे, इक्वल रिस्पॉन्स। ग्रेटर देन 1 आया तो हम कहेंगे इलास्टिक, लेस देन 1 आया तो हम कहेंगे इन इलास्टिक। इलास्टिसिटी वैसे जीरो नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस में हो जाती है कि अगर इलास्टिसिटी का आंसर जीरो आ गया तो हम कहेंगे नो रिस्पॉन्स, नो इलास्टिसिटी।
सही है। तो इलास्टिसिटी क्या बताती है? इलास्टिसिटी हमें ये बताती है कि एक वेरिएबल में अगर चेंज आएगा तो दूसरे वेरिएबल के अंदर रिजल्टिंग चेंज कितना आएगा। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। देखो वैसे तो इलास्टिसिटी की कई टाइप्स होती हैं, जैसे एक होती है, हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही है, लेकिन तो मैं नाम बता रहा हूँ, टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। वैसे तो एक से ज्यादा होती है। एक होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमारे सिलेबस में। एक होती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और एक होती है क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, हमारे सिलेबस में है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, ये प्राइस की वजह से आती है, और ये जो इलास्टिसिटी है ये अदर फैक्टर्स की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है और डिमांड भी चेंज हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, इनकम इलास्टिसिटी। इसी तरह अगर एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो रही है और हमारी प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो रही है तो वो कहलाएगी क्रॉस इलास्टिसिटी। तो हमें नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करनी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लिख रहा हूं, पीईडी। पीईडी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस फॉर्मूले से हम ये जो आंसर हमने अभी निकाले ना ऊपर, वन ग्रेटर देन वन लेस देन वन, इससे हम निकाल सकते हैं कि हमारी चेंजेस कितनी आएगी। सही जी। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के लिए, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए, एक कहलाता है नॉन एवरेज मेथड, जिससे हम परसेंटेज निकालेंगे, और दूसरा कहलाता है एवरेज मेथड, जिससे हम परसेंटेज निकालेंगे। यानी कि परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, या तो हम एवरेज मेथड से इस्तेमाल करेंगे या नॉन एवरेज मेथड से इस्तेमाल करेंगे। अभी एक एग्जांपल करवाऊंगा तो तुम्हें एवरेज और नॉन एवरेज का फर्क समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी कैलकुलेट कैसे होगी। तो फॉर एग्जांपल, टेक अ डेटा, एक प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट की इस वक्त सेलिंग प्राइस है $20 पर यूनिट, इस पे बिक रहा है ये प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट की इस वक्त जो डिमांड चल रही है वो है 1000 यूनिट्स। यानी कि प्राइस अगर 20 होती है तो कितने गुड्स बिकते हैं, 1000 यूनिट्स बिकते हैं। अब हमने कहा कि अगर प्राइस हम इंक्रीज कर दें बाय 22, तो डिमांड जो होगी वो हमारी हो जाएगी 950 यूनिट्स। कैलकुलेट PED। अब एक मैं एवरेज मेथड से कैलकुलेट करूंगा और एक मैं नॉन एवरेज मेथड से कैलकुलेट करूंगा। देखो कितना चेंज आता है। पहले प्राइस कितनी थी, 1000। प्राइस 20। अब कितनी हो गई है,
22 चेंज इन प्राइस निकालें 22 माइनस 20 ओवर 20 इसका आंसर निकालो परसेंटेज में जो आंसर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो जी तो प्राइस क्या हो गई 10% से इंक्रीज हो गई अब क्वांटिटी बढ़ाओ पहले डिमांड कितनी थी 1000 अब डिमांड कितनी हो गई है 950 तो 950 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आंसर आ रहा है परसेंटेज में माइनस को इग्नोर कर देना फाइव परसेंट जी अच्छा जी अब फॉर्मूले में डालें न्यूमरेटर में क्या आता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वो कितनी है 5% और नीचे क्या आ गया 10% आंसर निकाल जीरो पॉइंट फाइव वाकई इनइलास्टिक है प्राइस 10% से बढ़ रही है लेकिन जो डिमांड का रिस्पांस है वो 10% नहीं है वो डिमांड का रिस्पांस कितना है 5% तो रिस्पांस कम है तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ इनइलास्टिक बिहेवियर अगर रिस्पांस ज्यादा होता तो मैं क्या कहता इलास्टिक बिहेवियर सही ओके ये जो आंसर कम है इनइलास्टिक हाँ ये जो आंसर निकला है ना अभी इस ये निकला है नॉन एवरेज मेथड से ये जो कैलकुलेशन हमने की थी अबव ये क्या थी नॉन एवरेज मेथड अब इसी कैलकुलेशन को अगर मैं एवरेज मेथड से करना चाहूँ तो जो चेंज में निकालूंगा उस चेंज के अंदर मैं एवरेज प्राइस चेंज कंसिडर करूंगा और एवरेज डिमांड चेंज कंसिडर करूंगा तो आंसर चेंज हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल पहले प्राइस मेरी कितनी थी 22 और अब कितनी हो गई है 20 तो 22 माइनस 20 पहले मैंने डिवाइड किससे किया था 20 से अब मैं एवरेज प्राइस से डिवाइड करूंगा एवरेज कैसे निकालूंगा 22 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 अब आंसर निकालो यानी कि चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज प्राइस तो ये हो जाएगा 2 divided by 21 हो गया जी परसेंटेज चेंज 9.5 अब डिमांड हमारी कितनी थी 950 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 950 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 2 इसका आंसर निकालना तो ये हो गया 50 डिवाइडेड बाय 1950 डिवाइडेड बाय 2 975 इसका आंसर निकालें फाइव पॉइंट वन परसेंट अब फॉर्मूले में डालें पीईडी के 5.1% ओवर 9.5
5% शेष आंसर जी 0.53 अभी भी रिस्पॉन्स क्या है इनलास्टिक तो एग्जाम में अगर एवरेज मेथड दिया हुआ होगा तो मैंने तरीका बता दिया तुम्हें और नॉन एवरेज मेथड दिया हुआ होगा तो उसका भी तरीका बता दिया किस तरह से कैलकुलेट करेंगे सही भाई जी अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है हमने ये डिस्कस कर लिया कि इलास्टिसिटी के रिस्पॉन्स क्या होते हैं हमने ये डिस्कस कर लिया इलास्टिसिटी का अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या होता है अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इलास्टिसिटी किसी प्रोडक्ट की इलास्टिक होती है किसी की इनइलास्टिक होती है किसी की यूनिट इलास्टिक होती है तो ऐसा क्यों होता है इलास्टिसिटी वेरी क्यों कर रही है सेम क्यों नहीं है सबकी रिस्पॉन्स सबका सेम क्यों नहीं आ रहा तो ये नेचर ऑफ गुड्स पे भी डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है मसलन टेक एन एग्जांपल सॉल्ट नमक अगर नमक की प्राइस बढ़ती है तो लोगों की क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर क्या कोई एबनॉर्मल चेंज आएगा नो या अगर नमक की प्राइस कम हो जाए तो क्या लोग एबनॉर्मली ज्यादा नमक खरीदेंगे नो इसका मतलब ये है कि रिस्पॉन्स बहुत थोड़ा आएगा तो हम कहेंगे नमक की जो प्राइस इलास्टिसिटी होगी वो इनइलास्टिक होगी ठीक है जी सिमिलरली अगर पीआईए वाले दुबई का टिकट के प्राइस कम कर दें आजकल दुबई में मैचेस चल रहे हैं प्राइस कम कर दें तो डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा इंक्रीज हो ज्यादा आएगा रिस्पॉन्स या कम आएगा ज्यादा आएगा ज्यादा आएगा क्योंकि वो लग्जरी आइटम है और सॉल्ट जो हमने लिया था सॉल्ट लग्जरी आइटम नहीं था सॉल्ट क्या था नेसेसिटी में आता है बेसिक आइटम में आता है तो ये फर्क समझे तुम किसी प्रोडक्ट की डिमांड का चेंज ज्यादा किसी प्रोडक्ट की डिमांड का चेंज कम तो ये नेचर ऑफ गुड्स पे डिपेंड करता है ओके तो फैक्टर्स affecting elasticity of demand ये डिस्कस कर लेते हैं एक एग्जांपल मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इलास्टिसिटी जज की जाती है पहला फैक्टर है कि हम अपनी इनकम का कितना पोर्शन उस गुड्स पर खर्च करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड हमारी जो टोटल इनकम है ना उसका कितना पोर्शन हम उन गुड्स के ऊपर खर्च करते हैं जैसे सॉल्ट है अब हमारी एक महीने की जो सैलरी होगी उसका कितना पोर्शन सॉल्ट पे खर्च होता होगा कम या ज्यादा बहुत कम या बहुत ज्यादा बहुत कम बहुत कम हमारी इनकम का कितना पोर्शन है टूथपेस्ट पे खर्च होगा एक महीने के अंदर बहुत कम साबुन पे कम होगा मोबाइल के बिल के ऊपर कंपैरेटिवली ज्यादा होगा सही है और बच्चों की फीस के ऊपर ज्यादा ग्रोसरी के ऊपर मोर ज्यादा सही है इसका मतलब है कि हमारी जिस चीज के ऊपर इनकम का प्रोपोर्शन कम इस्तेमाल हो रहा है उस चीज की अगर प्राइस बढ़ भी जाए तो ज्यादा इंपैक्ट डिमांड के ऊपर नहीं आएगा और जिस चीज की प्रोपोर्शन हम ज्यादा खर्च करते हैं अगर उसकी प्राइस बढ़ेगी तो रिस्पॉन्स हमारा क्वांटिटी डिमांडेड पे ज्यादा आएगा तब रूल क्या बना कि अगर हम किसी प्रोडक्ट पे लेस प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इस्तेमाल करते हैं तो इलास्टिसिटी क्या होगी इनइलास्टिक होगी जी और मोर प्रोपोर्शन इस्तेमाल करते हैं तो इलास्टिक होगी प्राइस बढ़ने से डिमांड पे बहुत ज्यादा चेंज आएगा सही
दूसरी चीज है सब्स्टिट्यूट की अवेलेबिलिटी और सब्स्टिट्यूट की प्राइस. सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे हमने एग्जांपल ली थी पेप्सी वर्सेस कोक, क्योंकि हम इसको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट समझते हैं. देखो अगर फॉर एग्जांपल किसी चीज की प्राइस बढ़ती है, सही है, और दूसरी चीज की उसी चीज की डिमांड में कोई फर्क नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कंज्यूमर शिफ्ट नहीं कर रहा अपने आप को. और कंज्यूमर शिफ्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं. सिमिलरली अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ती है और उसका कंज्यूमर किसी दूसरी चीज पे जम करके जा रहा है, तो इसका मतलब है उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट के अंदर बहुत सारे. सही. अब टेक एन एग्जांपल, कोई ऐसी चीज जिसका सब्स्टिट्यूट बहुत इजीली अवेलेबल है, तो फॉर एग्जांपल पेप्सी कोक. तो अगर अच्छे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या हाई सब्स्टिट्यूट है, तो डिमांड ज्यादा अफेक्ट होगी. तो रिस्पॉन्स क्या होगा? इलास्टिक. और अगर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है या लो सब्स्टिट्यूट है, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो फिर डिमांड का रिस्पॉन्स क्या होगा? तो मजबूरी में खरीदेगा ना वो, इन इलास्टिक. सही है. जैसे फॉर एग्जांपल एक तो मैंने सॉफ्ट ड्रिंक की एग्जांपल ली, तुम यहाँ पर चॉकलेट की एग्जांपल ले लो. चॉकलेट के कितने ब्रांड सुपर स्टोर पे अवेलेबल होते हैं? वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स अवेलेबल होते हैं. तो आप एक चॉकलेट खरीदते हो, आप सुपर स्टोर पे गए, पता लगा आपने जो चॉकलेट खरीदते हैं उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो आप क्या करोगे? शिफ्ट करेंगे सब्स्टिट्यूट पे जाएंगे. तो सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ जाएगी और आपके गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. इसका मतलब इलास्टिक रिस्पॉन्स आएगा. जी सही है. इसी तरह जो थर्ड फैक्टर है उसमें आप लिख लें बेसिक आइटम्स या नेसेसिटीज. समझते हो, जो सबको इस्तेमाल करनी होती है. जी, बुनियादी जरूरत. हाँ, जैसे नमक की मैंने एग्जांपल दी, ब्रेड की एग्जांपल होती है. सही है. तो सॉल्ट की एग्जांपल ले लें आप, टी की एग्जांपल ले लें. टी को भी बार दफा नेसेसिटी में डाल दिया जाता है, ना डालें तो अच्छा है. अच्छा, ब्रेड की एग्जांपल ले लें. ये वो आइटम होते हैं जो कि रेगुलरली इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, नेसेसिटीज बन जाते हैं. अभी नेसेसिटी किसी के लिए होती है, किसी के लिए नहीं होती. एक बंदा ब्रेड खाता ही नहीं तो नेसेसिटी नहीं होगी. जैसे आजकल तो मोबाइल भी नेसेसिटीज में आ गए, तो नेसेसिटीज और लग्जरीज में फर्क होता है ना. लग्जरी आइटम्स वो होते हैं जो इनकम बढ़ने के साथ बढ़ती है डिमांड, जिनकी उनको लग्जरी आइटम्स कहते हैं. और नेसेसिटीज वो होती हैं जिनकी इनकम बढ़ने के साथ डिमांड कम होना शुरू हो जाती है. अब इनका इलास्टिक बिहेवियर क्या होगा? अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नेसेसिटी है, तो उसकी अगर प्राइस बढ़ती है नेसेसिटी की, तो उसकी डिमांड का रिस्पॉन्स क्या होगा? मोर रिस्पॉन्स इन इलास्टिक. आपको नेसेसिटी तो खर्च करनी है ना भाई, जितनी भी है. नमक तो आपको खरीदना है ना. अब प्राइस अगर बढ़ती है फॉर एग्जांपल, तो आप नमक खरीदना छोड़ेंगे तो नहीं. लेकिन रिस्पॉन्स जो है वो वीकर रिस्पॉन्स होगा, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आएगा. लेकिन अगर वो लग्जरी आइटम हो तो अब क्या होगा? अब अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी? डिमांड इलास्टिक होगी, क्योंकि लग्जरी इंसान जो है ना वो खुशी से नहीं खरीदता, चॉइस से, मजबूरी से नहीं खरीदता, चॉइस से खरीदता. अच्छा, इसी तरह इलास्टिसिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम. जो रिस्पॉन्स आता है ना, जो चेंज आता है बिहेवियर के अंदर, वो शॉर्ट टर्म में आता है या लॉन्ग टर्म में आता है? जल्दी रिस्पॉन्स आएगा या
शॉर्ट टर्म क्या होता है इमीडिएट रिस्पॉन्स, लॉन्ग टर्म क्या होता है देर से रिस्पॉन्स आता है. अब एक शख्स है वो चाय पीता है फॉर एग्जाम्पल, और चाय की प्राइसेस बढ़ जाए तो आप उसे दो मिनट में कॉफी के ऊपर कोई लेकर आएंगे क्योंकि उसकी आदत है चाय पीने की, कॉफी पे आएगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आएगा. एक शख्स है वो मटन खाता है, सही है, मटन की प्राइसेस बढ़ गई, वो बीफ पर इमीडिएटली कोई आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा ना. तो शॉर्ट टर्म में रिस्पॉन्स लोगों का क्या होता है, वीक होता है, और लॉन्ग टर्म में लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है, स्ट्रांग होता है. इसका मतलब ये निकला कि इलास्टिसिटी का जो रिस्पॉन्स है वो शॉर्ट टर्म में क्या होगा, वीक होगा तो इनइलास्टिक, और लॉन्ग टर्म में लोग क्या करेंगे, लोग शिफ्ट ज्यादा करते हैं. तो प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड का जो रिस्पॉन्स होगा वो शॉर्ट टर्म में हमेशा कम होगा और लॉन्ग टर्म में हमेशा ज्यादा होगा. सही है, इसी तरह बाज दफा हम प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं जो कि हैबिचुअल टाइप के प्रोडक्ट होते हैं. हैबिचुअल प्रोडक्ट्स बताएं कौन से होते हैं, जैसे एक बंदा है वो सिगरेट पीता है, एडिक्शन वाले, एक बंदा है वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है, ये हैबिचुअल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं. यानी कि बंदा ना चाहते हुए भी खरीदेगा. तो अगर हैबिचुअल प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ेंगी तो एक शख्स की अखबार पढ़ना छोड़ देगा, डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, रिस्पॉन्स कैसा होगा, लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करना, रिस्पॉन्स क्या होगा उसका. प्राइस बढ़ेगी तो वो क्वांटिटी को कम करेगा लेकिन एकदम कम नहीं करेगा, बहुत कम नहीं करेगा, लेस रिस्पॉन्स आएगा क्योंकि वो तो एडिक्टेड है ना भाई, एडिक्टेड है तो लोग क्या करते हैं, सिगरेट की प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम करते हैं. जैसे पहले 10 सिगरेट पीते थे तो अब 8 सिगरेटें पीना शुरू करते, लेकिन 10 की जगह वो एक सिगरेट के ऊपर नहीं आएगा. सही है भाई जी. अच्छा जी, ये तो हो गई फैक्टर्स. अब इलास्टिसिटी का कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट चीज एग्जाम में, इसके सवाल टेक्निकल आते हैं. इलास्टिसिटी एक मुश्किल टॉपिक है इस सिलेबस का क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व है. हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे लेकिन इसके अंदर कैलकुलेशन भी आएगी. तो इलास्टिसिटी का रेवेन्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, देखो प्राइस चेंज होती है तो रेवेन्यू चेंज होता है, क्वांटिटी चेंज होती है डिमांड तो रेवेन्यू चेंज होता है. लेकिन प्राइस बढ़ने से रेवेन्यू कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो कुछ पता नहीं लग रहा होता कि प्राइस चेंज होने से रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ेगा. तो हम पहले ये देखते हैं कि जो हमारा रेवेन्यू है वो कैसे निकलता है. रेवेन्यू कहते हैं सेल्स को. सेल्स कैसे निकलती है, सेल्स वैल्यू कैसे निकलती है, डिमांड मल्टीप्लाई बाय प्राइस, इन दोनों का मल्टीपल क्या होता है, रेवेन्यू. अब अगर मैं प्राइस बढ़ाऊं, फॉर एग्जांपल तुमसे पूछ रहा हूं, अगर प्राइस बढ़ाऊं तो रेवेन्यू बढ़ेगा, बढ़ना तो चाहिए, बढ़ना तो चाहिए. वैसे तो लोग प्राइस क्यों बढ़ाते हैं, ताकि रेवेन्यू बढ़ जाए. चलो मैंने प्राइस बढ़ाई, रेवेन्यू क्या हो गया, बढ़ गया. एक एग्जांपल केस वन. दूसरा केस, मैंने प्राइस बढ़ाई, रेवेन्यू कम हो गया. मैंने प्राइस कम की, रेवेन्यू कम हो गया. मैंने प्राइस कम की, रेवेन्यू बढ़ गया. चारों केस हो सकते हैं पॉसिबल. जी बिल्कुल सर, सही है. अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इलास्टिसिटी की वजह से हो रहा है. अब अगर प्राइस बढ़ती है तो प्राइस का अफेक्ट अगर ज्यादा है और डिमांड का अफेक्ट अगर कम है तो हम क्या कहेंगे, इन इलास्टिक बिहेवियर. प्राइस का अफेक्ट ज्यादा है
और डिमांड का इफेक्ट अगर कम है तो रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। कैसे, एक एग्जांपल करते हैं, ये समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल प्राइस इज $10 और $10 पे यूनिट्स है 1000, तो रेवेन्यू कितना होगा? 10,000। ये हमारा एग्जिस्टिंग टोटल रेवेन्यू होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमने प्राइस बढ़ाई, प्राइस हमने 11 कर दी और यूनिट्स जो है हमारे, प्राइस में मैंने 10% का चेंज किया और यूनिट्स के ऊपर मैंने 5% का चेंज कर देता हूँ, तो यूनिट्स पे मैं ले गया 950। अब रेवेन्यू कितना? रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ा? इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज हुई, प्राइस इंक्रीज हुई और रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ा? रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। तो ये इलास्टिसिटी कौन सी है? इन इलास्टिक बिहेवियर, फर्स्ट वन। इससे आंसर निकालेंगे ना अगर इलास्टिसिटी का, तो वो लेस देन वन आएगा। इसी तरह अगर मैं दूसरी एग्जांपल करूं और उसके अंदर कहूं प्राइस थी 10 और उसके ऊपर डिमांड थी 100 यूनिट्स, तो रेवेन्यू कितना होगा? 1000। सही है। अब मैं प्राइस के अंदर चेंज करता हूँ, प्राइस इंक्रीज बाय इंक्रीज टू 11, प्राइस 11 हो गई और डिमांड के अंदर जो रिस्पांस आया डिमांड 80 हो गई। अब रेवेन्यू निकालें, टोटल रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ा? डिक्रीज भाई, हालांकि प्राइस बढ़ रही है, प्राइस तो पिछले वाले में भी बढ़ी थी, प्राइस इसमें भी बढ़ी, तो प्राइस बढ़ने से एक जगह क्या हुआ, रेवेन्यू बढ़ा और दूसरी जगह क्या हुआ, रेवेन्यू क्या हुआ, कम हुआ। कम, तो ये कम क्यों हुआ? क्योंकि डिमांड का जो रिस्पॉन्स है वो ज्यादा था, समझ गए? सिमिलरली अगर हम प्राइस कट करें, प्राइस को कम करें, तो रेवेन्यू भी कम होना चाहिए। प्राइस कम करें जी, सही है, लेकिन कभी कम होगा लेकिन कभी बढ़ जाएगा। तो अगर प्राइस कट की और रेवेन्यू कट हो गया तो हम कहेंगे हम उसको ऊपर वाली एग्जांपल में कहेंगे कि ये भी क्या है, इन इलास्टिक बिहेवियर और इलास्टिक बिहेवियर। अब याद रखने के लिए आसान सी चीज क्या है, शॉर्टकट क्या है, कि अगर प्राइस बढ़ती है और रेवेन्यू रेवेन्यू का रिस्पांस सेम रहता है तो इन इलास्टिक बिहेवियर होगा, और अगर प्राइस बढ़ती है और रेवेन्यू का रिस्पांस ऑपोजिट हो जाए तो वो क्या होगी, इलास्टिक होगी। सिमिलरली प्राइस कट होती है और रेवेन्यू का रिस्पांस भी सेम रहता है तो वो क्या होगी, इन इलास्टिक, और अगर ऑपोजिट चला जाए तो वो बिहेवियर क्या हो जाएगा, इलास्टिक बिहेवियर। सर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आएंगे? एग्जाम में क्वेश्चन थ्योरी के भी आ सकते हैं, इलास्टिसिटी का आंसर भी पूछा जा सकता है, रेवेन्यू का आंसर भी पूछा जा सकता है। जैसे मैंने अभी तुम्हें ये जो जितनी भी एग्जाम्पल करवाई ये सारी एग्जाम टाइप के क्वेश्चंस की, कि जी डिमांड पहले इतनी थी अब डिमांड इतनी हो गई, ये बताएं पीईडी क्या होगा, कैलकुलेट पीईडी, प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर निकाल,
ये बताएं रेवेन्यू कितना होगा, रेवेन्यू का आंसर बताएं। तो किट के सवाल करेंगे जब इस चैप्टर के, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि किस हिसाब से आंसर आएगा। फिर तुम्हारा काम ये है कि तुम चैप्टर में जो थ्योरेटिकल चीजें हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, आगे जो चैप्टर है वो छोटे छोटे चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। बेसिकली ये देखा जाए तो ये चार चैप्टर्स को मिला के एक चैप्टर बनाया हुआ है, डिमांड का अलग चैप्टर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अलग चैप्टर, सप्लाई का अलग चैप्टर, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का अलग चैप्टर, चार चैप्टर्स को मिलाकर एक चैप्टर बना हुआ है, इसलिए आराम आराम से खत्म होगा। जब ये एंड हो जाएगा तो फिर हम इसके किट के सवाल करेंगे। सही है जी। तो अब तुम्हारी ये जो मैं